गुरुग्राम के जिला खेल अधिकारी परशुराम के खिलाफ सिविल लाइंस थाना पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। गलत जानकारी देकर बच्चों के लिए सरकारी योजना का लाभ उठाने का अधिकारी पर आरोप है। आपको बता दें कि हरियाणा की पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान अनुसूचित जाति के बच्चों को खेलों में बढ़ावा देने के लिए योजना बनाई गई थी। इसका लाभ उन बच्चों को मिलना था जिनके परिवार की सालाना आय 2 लाख से कम हो। जिला खेल अधिकारी उस समय कोच हुआ करते थे। आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर गलत सूचना दी और योजना का लाभ अपने 2 बच्चों को दिलवा दिया। लगभग 75,000 रुपये सरकार से योजना के तहत लिए थे। इस मामले की जांच हुई और जांच के बाद अब गुरुग्राम सिविल लाइंस थाना में मामला दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखिए, गुड़गांव पुलिस को एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस शिकायत में जो शिकायत करता है उन्होंने बताया कि जो जिला खेल अधिकारी हैं, इससे पहले वो एज जिम्नास्टिक कोच यहीं पर तैनात थे। उस दौरान उन्होंने जो खेल विभाग की जो स्कीम है उसका गलत तरीके से फ़ायदा उठाकर और उस स्कीम के तहत उन्होंने 75,000 रुपये लिए थे और इस संबंध में उन्होंने एक शपथ पत्र भी दिया था, जिसमें जो स्कीम के तहत ये बताया गया था कि जिस परिवार की आय 2 लाख रुपए से कम है वार्षिक आय, वो ही उन्हीं के बच्चे इस स्कीम के तहत फ़ायदा ले सकते हैं। तो इस संबंध में शिकायत की जांच कराई गई थी। जांच की होने उपरांत अब ये शिकायत गुड़गांव पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसमें सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में रेलिवेंट सेक्शन के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और केस की इन्वेस्टिगेशन अभी की जा रही है। जो भी फैक्ट सामने आएंगे उसी के अनुसार इसमें आगामी कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में आरोपित जिला खेल अधिकारी का पक्ष जाने के लिए बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बताने को इनकार कर दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। ऐसे में जाँच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि सरकारी स्कीम में धोखाधड़ी का ये खेल कब से चलता आ रहा था और इस खेल में कौन कौन लोग शामिल हैं। न्यू न्यूज़ फॉर यू के लिए सिरसा से डॉक्टर अभिषेक के साथ गुरुग्राम से सूरज दुहन की रिपोर्ट।